गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा हिंदी का काम, आज मैं दोबारा से आपको संज्ञा बताना चाहती हूँ। जो ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई है, जैसे कुर्सी, पंखा, फूल, रुड़की, दिल्ली, हाथी, अनार, सोहन, लता, ये सभी नाम किसके हैं? संज्ञा के हैं। आगे हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के भेद। संज्ञा दो प्रकार की होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानेंगे। ध्यान से सुनिए, किसी विशेष व्यक्ति या समूह से जुड़ी होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या समूह से जुड़ी होती है, जैसे गेहूं। अब थोड़ा समझिए, गेहूं एक अनाज है और किस समूह से जुड़ा है गेहूं? बताइए, अनाज से। किससे जुड़ा हुआ है? अनाज से। ऐसे ही चना को देखिए, चना भी एक दाल है और ये दाल वाले समूह में, दाल से जुड़ी हुई है। इसी तरह से हम गंगा को देखेंगे, गंगा, यमुना, गोदावरी, यह सब नदियों के नाम हैं, लेकिन यहाँ पर यह गंगा व्यक्तिवाचक है। और अगर आपसे पूछा जाता है नदी, तो नदी के अंदर तो बहुत सारी नदियों का समूह होगा, तो वो आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ पर गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से हिमालय, सेब, कमीज और गिलास आदि। अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या पदार्थ समूह की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, विद्यालय, फल, अनाज, सब्जी, शहर आदि। ध्यान से देखिए, विद्यालय का उदाहरण समझिए। विद्यालय का मतलब कोई भी विद्यालय, आपके शहर का, आपके देश का, आपके भाई बहनों के विद्यालय। और अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक एक, ठीक है, वो आएगा आपका किस में आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और सिर्फ विद्यालय कहने से आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। इसी तरह से फल समझिए थोड़ा सा। फल का मतलब कोई भी फल, ठीक है, कोई भी फल। फल का एक समूह है, हमने एक टोकरी, यह फलों की टोकरी है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम अलग से कहें केला, सेब, अमरूद, अंगूर, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इस तरह से आप इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझ करके अपनी कॉपी पर लिखिए। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, उसे भी आप ध्यान से सुनिए, देखिए और अच्छी तरह से संज्ञा को समझेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।